टाइटेन उभुआ स्नेक, जिसे हमारे धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है और यह सांप बेहद ही खतरनाक और विशालकाय हुआ करता था। हालांकि आज टाइटेन उभुआ स्नेक अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टाइटेन उभुआ स्नेक के अंत होने के बाद हमारी दुनिया से विशालकाय सांप खत्म हो गया हो। आज भी इंसानों द्वारा कई ऐसे विशालकाय सांपों को देखा गया है, जिसे देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए कि यह सांप उसी दुनिया का है जहां हम लोग रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हमारी दुनिया में मिले कुछ ऐसे विशालकाय सांप दिखाने वाले हैं, तो फिर वीडियो को प्यारा सा लाइक करके बने रहे अंत तक। नंबर 1, बिग पैथन मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में वेस्टर्न कोस्ट पर पेनांग आइलैंड में काम के दौरान इतना विशालकाय सांप मिला था कि सांप को उठाने के लिए मलेशिया के सिविल सर्विस के दर्जनों लोगों को मशक्कत करना पड़ा था। दोस्तों, इस सांप का कुल लंबाई 26 फीट बताया जाता है। वहीं सांप का वजन 250 किलो से भी अधिक था, जो हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, यह सांप इतना विशाल था कि इसे काबू में करने के लिए मलेशियन सिविल सर्विस के सभी लोगों को कड़ी मशक्कत करना पड़ा था। नंबर 2, जायंट स्नेक ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील के एक शहर में अफरा तफरी तब मच गया जब यहाँ के एक मजदूर ने एक विशालकाय सांप को अपनी तरफ आते हुए देखा। दोस्तों, ब्राजील में मिले यह सांप इतना विशालकाय और भारी भरकम था कि इसे देखने के बाद यहाँ के लोग दहशत में थे। यहाँ के लोगों का कहना है, इस विशालकाय सांप का लंबाई 33 फीट था और इसका वजन 400 किलो के आसपास था। दोस्तों, यह सांप इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मशीनों और वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, बिग पैथन पेरू। दोस्तों, पेरू देश के एक नदी में यहाँ के मछुआरों को मिला था बहुत ही बड़ा पैथन स्नेक। दोस्तों, यह सांप भी काफी बड़ा और भारी भरकम था, जिसे उठाने के लिए 4 से 5 लोगों को मशक्कत करना पड़ा था। और यहाँ के लोगों का कहना है, इस भारी भरकम सांप का लंबाई 5 मीटर यानी 16 फीट के आसपास था। वहीं इस सांप का वजन 150 किलो से भी अधिक था और इस सांप को भी दुनिया में मिले सबसे बड़े सांप में से एक माना जाता है। नंबर 4, ब्राजील रिवर बिग एनाकोंडा। दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है जब लोगों ने ब्राजील के नदियों में विशालकाय सांपों को देखा हो। दोस्तों, ऐसे ही ब्राजील के एक नदी में पानी के नीचे रिकॉर्डिंग कर रहे बोर्टोलोमा नामक गोताखोर के सामने अचानक एक विशालकाय एनाकोंडा आ जाने से उनके होश उड़ गए। दोस्तों, बोर्टोलोमा बताते हैं कि एनाकोंडा का लंबाई करीब 26 फीट था और जब उन्होंने इस विशालकाय एनाकोंडा को देखा तब कैमरे को छोड़कर खुद किनारे हट गए और इसी दौरान एनाकोंडा ने कैमरे को चारों तरफ से जकड़ लिया और बोर्टोलोमा वहां से सुरक्षित लौट आए। दोस्तों, लोगों का कहना है कि आज भी यह विशालकाय एनाकोंडा उसी नदी में रह रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले ब्राजील के नदी में देखे गए एनाकोंडा सांप का लंबाई 50 फीट था। नंबर 5, बिग पैथन डोमिनिका। दोस्तों, कैरिबियाई देश डोमिनिका में इतना विशालकाय पैथन स्नेक मिला था कि इसे उठाने के लिए क्रेन का मदद लेना पड़ा था। दोस्तों, इस सांप को पहली बार डोमिनिका के जंगल में काम करने वाले कर्मचारियों ने देखा था, लेकिन उस समय उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि यह सांप इतना विशालकाय है। जब इस सांप को क्रेन की मदद से ऊपर उठाया गया तब देखने वाले लोगों की रूह कांप गए। और लोगों की माने तो इस सांप का लंबाई 30 फीट के करीब था और कई लोग तो इस सांप को दुनिया में जीवित सबसे बड़ा सांप मानने लगे थे। नंबर 6, पैथन स्लो इंडोनेशिया। दोस्तों, अब आपको इंडोनेशिया में मिले सांप के बारे में जानकर आपकी रूह तक कांप जाएंगे। दोस्तों, यह सांप इतना विशाल था कि इन्होंने एक महिला को ही निगल लिया था। दोस्तों, लोगों की माने तो इस सांप का लंबाई 20 से 30 फीट था और इन्होंने 54 साल के एक महिला को अपना शिकार बना लिया था। दोस्तों, जानकारी के अनुसार 14 जून 2018 को सब्जी के बगान में काम करते वक्त यह महिला लापता हुआ था और इसी महिला के खोज के दौरान इस पैथन स्नेक को देखा गया, जिसका पेट फूला हुआ था। और जब इस सांप के पेट को काटा गया तब पता चला कि इसी सांप ने उस महिला को अपना शिकार बना लिया है और इसे देखने के बाद यहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। नंबर 7, बिग स्नेक फाउंड फ्लोरिडा। दोस्तों, फ्लोरिडा में एक शख्स ने देखा था विशालकाय पैथन स्नेक और इस शख्स के मुताबिक इसका लंबाई 52 फीट था, जो एक हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, जब यह शख्स इस सांप का वीडियो बना रहा था तब इन्हें लगा था कि यह सांप मरा हुआ है, लेकिन अंत में पता चला कि यह सांप जिंदा है और उनके ऊपर हमला करने का कोशिश भी करता है। दोस्तों, वैसे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह सांप भी हमारी दुनिया में मिले विशालकाय सांपों में से एक है। दोस्तों, इनके अलावा कई और ऐसे मौके हुए हैं जब इंसानों ने विशालकाय और भारी भरकम सांपों को देखा है और आज भी हमारी धरती के किसी न किसी कोने में इनके जैसे कई और विशालकाय सांपों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।